बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बी आर ए बी यू न्यूज़ में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं बी आर ए बी यू न्यूज़। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार के जो भी तमाम विश्वविद्यालय हैं उसका शस्त्र जो है ना बेपटरी हो चुका है। यानी कि जो सेशन है, जितने दिन में डिग्रियाँ मिलनी चाहिए उतने दिन में मिलती नहीं है। आज के पटना के हिंदुस्तान अखबार में एक रिपोर्ट छापा गया है कि शिक्षा विभाग और राजभवन के बार बार निर्देश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं। पटना विश्वविद्यालय भी इससे जो है प्रभावित है। पटना विश्वविद्यालय जो कि राज्य के सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उसका भी जो शस्त्र है वो नियमित नहीं है। देख रहे हैं आप, पीयू भी शस्त्र नियमित करने में विफल हो गया। राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी शस्त्र को नियमित करने में विफल रहा। विश्वविद्यालय का शस्त्र 6 माह विलंब से चल रहा है। जो पटना विश्वविद्यालय है उसका जो ये सेशन है वो 6 महीना लेट चल रहा है। और सबसे ज़्यादा स्थिति तो खराब मगध विश्वविद्यालय का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मगध विश्वविद्यालय में अभी 19-22 वाला का पार्ट वन के छात्र का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका भी रिजल्ट भी नहीं आया। तो सबसे ज़्यादा स्थिति जो ख़राब है वो मगध विश्वविद्यालय का है। तो आप लोग ये सब देखें और इसको जानें। और क्या कहें कि अगर ये सब यूनिवर्सिटी से बचे आप लोगों को अगर कैरियर का चिंता है तो। उसके बाद आप देख रहे हैं पीपीयू का शस्त्र यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का शस्त्र जो है 1 साल विलंब चल रहा है। मगध विश्वविद्यालय को छोटा करने के लिए ये यूनिवर्सिटी जो बनाया गया था इसका भी जो सेशन है वो 1 साल चला है। हालांकि ये सुधर जाएगा, क्योंकि पटना में स्थित है तो कुछ ना कुछ इसमें सुधार बहुत हम देखने को मिला है। आगे आप देख रहे हैं अपना यूनिवर्सिटी है जो बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसका क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। 1 वर्ष देरी से इसका सत्र चल रहा है। 18-21 की अभी जस्ट परीक्षा का रिजल्ट आया है और 19-22 के पार्ट टू और पार्ट थ्री का जो परीक्षा अभी बाकी है। सत्र 20-23 का पार्ट वन का परीक्षा हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं आया। सत्र 21-24 का अभी तक परीक्षा भी नहीं हुआ है। वही पीजी का सत्र 1 साल देरी से चल रहा है। पीजी का तो और बुरा हाल है, यहाँ पर क्या बताएं आप लोगों को। उसके बाद आप देख रहे हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये क्या कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी के कारण ना विश्वविद्यालय का जो सेशन है वो लेट हुआ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में उपयुक्त कर्मचारी न होने के कारण जो है लेट चल रहा है। यहाँ पे पूर्णिया विश्वविद्यालय का देख ले, वही पूर्णिया विश्वविद्यालय भी 6 महीना लेट से चल रहा है। बीएन मंडल का बात करें तो बीएन मंडल 2 साल पीछे चल रहा है। बीएन मंडल जो कि ये कहाँ आरा में शायद मधेपुरा में स्थित है, तो बीएन मंडल का तो और ज़्यादा ख़राब है स्थिति। और ऊपर जेपीयू के बारे में दिया हुआ है, जेपीयू के देखेंगे। जेपीयू यानी जयप्रकाश नारायण जो विश्वविद्यालय है जो कि छपरा में स्थित है, यहाँ पे देखिए आप जयप्रकाश विश्वविद्यालय में पीजी के साथ साथ यूजी और बीएड का तो और हालत ख़राब है। देख रहे हैं आप, ये 24 परीक्षाएँ जो है लंबित है अभी ये जेपीयू के। और LNMU यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है ये 3 महीना देरी है। इतने सारे विश्वविद्यालय में एक ही विश्वविद्यालय है जो कि 3 माह लेट है। पटना की बात करें तो वो भी 6 माह लेट है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी सबसे अच्छे अभी चल रहा है बिहार का, जो कि दरभंगा में स्थित है। कोरोना के वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था लेकिन उम्मीद है कि इनका सेशन जो है पटरी पे आ जाएगा, इस साल तो आ ही जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं इधर वीर कुंवर सिंह, यह मुंगेर विश्वविद्यालय है। मुंगेर विश्वविद्यालय का सत्र भी 6 माह से विलंब से चल रहा है। मुंगेर विश्वविद्यालय में रेगुलर के साथ साथ वोकेशनल कोर्स की भी जो भी परीक्षाएँ हैं वो लेट चल रही है 6 माह। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में देखिए स्नातक पार्ट वन का 2021-22 वाला कभी तक यहाँ पर परीक्षा नहीं हुआ। हालांकि बिहार विश्वविद्यालय में भी नहीं हुआ है तो उतना मैटर नहीं करता। आगे देखिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि वहाँ पे छपरा में आरा में स्थित है, पीजी का शस्त्र यहाँ 2 साल पीछे है। पीजी का शस्त्र जो है यहाँ पे 2 साल पीछे है। तो बिहार का हायर एजुकेशन का यही सिस्टम है, देख रहे हैं आप कितना मतलब कि लेट लतीफ़ी है। इस राज्य सरकार हर बार आदेश दे रहे हैं फिर भी विश्वविद्यालय में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए।